सभोपदेशक अध्याय सात। सभोपदेशक अध्याय सात। अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। जीवनार के घर जाने से शोक के घर जाना उत्तम है, क्योंकि सब मनुष्यों के लिए अंत में मृत्यु का शोक यही है, और जो जीवित है वह मन लगाकर इस पर सोचेगा। खेद हंसी से उत्तम है, क्योंकि जब मुंह पर शोक छा जाता है तब मन सुधरता है। बुद्धिमानों का मन शोक करने वालों की घर की ओर लगा रहता है, परंतु मूर्खों का मन आनंद के घर लगा रहता है। मूर्खों के गीत सुनने से बुद्धिमान की घुड़की सुनना उत्तम है, क्योंकि मूर्ख की हंसी हांडी के नीचे जलते हुए कांटों की चरचराहट के समान होती है। यह भी व्यर्थ है, निश्चय अंधेर में पड़ने से बुद्धिमान बावला हो जाता है और घूस लेने से बुद्धि नाश होती है। किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है, और धीरजवंत पुरुष गर्वी से उत्तम है। अपने मन में उतावली करके न क्रोधित हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय से आता है। तू न कहना कि इसका क्या कारण है कि बीते दिन इनसे उत्तम थे, क्योंकि यह तू बुद्धिमानी से नहीं पूछता। बुद्धि बपौती के समान है, वरन जीवतों के लिए उससे श्रेष्ठ है, क्योंकि बुद्धि आड़ का काम देती है। रुपया भी आड़ का काम देता है, परंतु ज्ञान की यह श्रेष्ठता है कि बुद्धि से उसके रखने वालों के जीवन की रक्षा होती है। परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर। जिस वस्तु को उसने टेढ़ी किया हो उसे कौन सीधी कर सकता है? सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को न बूझ सके। मैंने अपने व्यर्थ दिनों में यह सब कुछ देखा है। कोई धर्मी होता है जो अपने धर्म का काम करते हुए नाश हो जाता है, और दुष्ट बुराई करते हुए दीर्घायु होता है। असीमित धर्मी न बन और न अपने को अधिक बुद्धिमान बना। तू क्यों अपने ही नाश का कारण हो? अत्यंत दुष्ट भी न बन और न मूर्ख हो। तू अपने समय से पहले क्यों मरे? यह अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहे और उस बात पर से ही हाथ न उठाए, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है वह इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। बुद्धि ही से नगर के 10 हाकिमों की अपेक्षा बुद्धिमान को अधिक सामर्थ्य प्राप्त होता है। निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और भूल न करे। फिर जितनी बातें कही जाए सब पर कान लगाना, ऐसा न हो कि तू सुने कि तेरा दास तुझी को शाप देता है, क्योंकि तू आप जानता है कि तूने भी बहुत बैर औरों को शाप दिया है। यह सब मैंने बुद्धि से जांच लिया है। मैंने कहा मैं बुद्धिमान हो जाऊंगा, परंतु यह मुझसे दूर रहा। वह जो दूर और अत्यंत गहरा है उसका भेद कौन पा सकता है? मैं अपना मन लगाता हुआ फिरता रहा कि बुद्धि के विषय में जान लूं, उसका भेद जानूं और खोज निकालूं, और यह भी जान लूं कि दुष्टता नीरी मूर्खता है और मूर्खता नीरा बावलापन है। और मैंने मृत्यु से भी अधिक दुखदायी एक वस्तु पाई, अर्थात वह स्त्री जिसका मन फंदा और जाल है और जिसके हाथ हथकड़िया है। जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न है वही उससे बचेगा, परंतु पापी उसका शिकार होगा। देख, उपदेशक कहता है कि मैंने ज्ञान के लिए अलग अलग बातें मिलाकर जांची और यह बात निकाली जिसे मेरा मन अब तक ढूंढ रहा है परंतु नहीं पाया, अर्थात हजार में से मैंने एक पुरुष को पाया परंतु उनमें एक भी स्त्री नहीं पाई। देखो, विशेष करके मैंने यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु मनुष्यों ने बहुत सी युक्तियां निकाली है।